जय श्री श्याम। ये वाला आता है भैया निशान, ये बड़ों के अंदर जाता है। यहाँ पे जगह जगह पर निशान स्थल बनाए गए हैं और शनि मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो श्याम बाबा कुंड है वो स्थित है। ये आलू की सब्जी है, दाल है, गट्टा है, अचार है और ये रोटी है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ प्रसाद लेने के लिए। जय श्री श्याम। मित्रों स्वागत है आप सभी का ट्रैवल सफूका की एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से बाबा श्याम जी की नगरी खाटू श्याम जी तक आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद में आपको यहां पर किस किस जगह पर जाना चाहिए, यहां पर आपका जो टूर प्लान है वो कितने दिनों का होना चाहिए, यहाँ पर आपको आपकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए और एंड के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर आने का, पूजा करने का, घूमने फिरने का टोटल जो आपका खर्चा है वो लगभग कितने रुपए तक का आ सकता है। तो यार मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी सच्चे श्याम भक्त हैं एक बार कमेंट के अंदर जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप खाटू श्याम जी तक किस तरह से पहुँच सकते हैं। तो खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचने से पहले आपको पहुंचना होगा या तो जयपुर या फिर सीकर, और जयपुर और सीकर से आपको जाना होगा रिंगस के लिए। जयपुर और सीकर दोनों जगह से जो रिंगस की दूरी है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की है। तो आप चाहे तो बस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू जयपुर और सीकर से जो है रिंगस तक पहुँच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू जयपुर और सीकर से जाएंगे रिंगस तक के लिए तो आपका जो किराया है वो लगभग 80 से 100 रुपए के बीच में रहता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप रिंगस से खाटू श्याम जी के मंदिर तक किस तरह से जाएंगे। तो दोस्तों चाहे आप रिंगस के बस स्टैंड पे उतरें या फिर रेलवे स्टेशन पे उतरें, दोनों ही जगह से आपको जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, इस तरह की गाड़ियाँ आपको जो है खाटू श्याम जी के मंदिर तक लेके जाएगी। ये जो गाड़ियां हैं दोस्तों आपसे 40 से लेके 50 रुपए तक का चार्ज करेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने तक कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। जो भी गाड़ी आपको खाटू श्याम जी लेके जाएगी वो आपको मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रॉप करेगी। तो पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका है जिसके अंदर आप रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक की पद यात्रा कर सकते हैं। ये जो दूरी है दोस्तों पद यात्रा वाली, ये लगभग 18 किलोमीटर की होती है। दोस्तों जब कभी भी आप खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हो तो आपको एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको बाबा के पास में निशान जरूर लेके जाना है। दोस्तों निशान की जो दुकानें हैं आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही या फिर बस स्टैंड से बाहर निकलते ही दिख जाएगी, तो आप कहीं से भी निशान ले सकते हैं। दोस्तों अभी मैं रिंगस रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकला ही था कि निकलते ही मुझे यहाँ पर एक निशान की दुकान दिखाई दी है। और ये जो दुकान है रिंगस रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर एक अनिल इलेक्ट्रिकल्स के नाम से शॉप दिखाई देगी। उसके जस्ट सामने ही इन भाई साहब की शॉप है, इनका नाम है इकबाल। और अब इकबाल जी हमें बताएंगे कि इनके पास में किस किस तरह के निशान हैं। तो इकबाल जी एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के निशान अवेलेबल हैं। देखो भैया निशान 4 तरह के होते हैं, एक तो ये बच्चों वाला हो गया और एक इससे बड़ी साइज आएगी। एक ये वाला आता है भैया निशान, ये बड़ों के अंदर जाता है। और एक इससे बड़ा आएगा, ये इससे बड़ा निशान है एक। और ये तो सिंपल निशान है आपको पहली बार आए उसका ले जाने का। और दूसरी बार आते हो आप मन्नत वाला लेके जाते हो, नारियल मोरछड़ी बंद किया ऐसा कंप्लीट हो के जाता है। नारियल मोरछड़ी बंद के कंप्लीट हो के जाता है। अच्छा नारियल बांधने का? हाँ, 4 प्रकार के होते हैं। एक ये बेलवेट के अंदर भी आता है, इसी के अंदर कपड़ा बेलवेट के कपड़े में आता है शानदार पीस। और इससे बड़ा चाहिए तो उससे बड़ा ही मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको निशान के बारे में 4 चीज़ें और बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप यहाँ पे बाबा के दरबार में फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको सिंपल वाला जो निशान है वो ही चढ़ाना है और आपको अपनी मन्नत मांगनी है। जब कभी भी आपकी मन्नत पूरी हो जाती है और उसके बाद में जब आप सेकेंड टाइम बाबा के पास आ रहे हैं तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर आपको मोर पंख के साथ में नारियल वाला जो निशान है वो चढ़ाना होता है। दूसरी बात दोस्तों
कि जब एक बार आपने निशान को अपने हाथ में ले लिया है तो निशान को आपको कहीं पर भी नीचे नहीं रखना होता। निशान को रखने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे निशान स्थल बनाए गए हैं, तो आप निशान को वहीं पर रखिएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों कि आपको निशान को गंदे हाथों से नहीं छूना है। सपोज़ करिए आपने निशान ले लिया और आपने खाना वाना खाने चले गए, तो जब खाना वाना खा के आएंगे तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो के ही आप निशान को लीजिएगा, या फिर अगर आप टॉयलेट वगैरह गए हैं तो आप अच्छी तरह से हाथ को धोने के बाद में ही दोबारा से निशान को पकड़िएगा। और चौथी चीज़ ये है जो कि आपकी मर्जी के ऊपर है कि जब एक बार आपने निशान ले लिया है तो आप जूते चप्पल कुछ भी मत पहनिए और नंगे पैर ही बाबा के दरबार तक जाइए। लेकिन दोस्तों ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जूते चप्पल पहनना चाहते तो पहन सकते हो, नहीं पहनना चाहते तो नहीं भी पहन सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको निशान लेते वक्त अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कि है निशान के रेट से रिलेटेड। तो निशान की दोस्तों जो रेट है ये देखिए दोस्तों चेंज होती रहती है। अगर आप 11 के टाइम पे या किसी फेस्टिवल के टाइम पे या फिर फागुन महीने के अंदर निशान परचेज करते हैं तो उसकी रेट थोड़ी सी अलग होगी, और अगर आप नॉर्मल डेज के अंदर निशान परचेज करेंगे तो उसकी रेट जो है थोड़ी बहुत अलग होगी। बाकी आप बार्गेनिंग वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिंगस से खाटू श्याम जी तक जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे लोकल कोई गाड़ी वगैरह ले सकते हैं जो कि आपसे 40 से 50 पे चार्ज करेंगे खाटू श्याम जी तक जाने के। और दूसरा तरीका है कि एक 18 किलोमीटर का रास्ता है, आप इस रास्ते को पैदल ही तय करें। तो दोस्तों अभी मैं इसी रास्ते के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ तो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर ही है, लेकिन जब कभी भी आप 11 के महीने में या फिर किसी त्यौहार पर या फिर फागुन के मेले में आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड वगैरह है वो दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे फागुन महीने के मेले में आ रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करिएगा कि ये जो 18 किलोमीटर का रास्ता है आप इसको पैदल ही तय करें, क्योंकि दोस्तों जब आप इस रास्ते को पैदल तय करेंगे तो फागुन महीने के अंदर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि यहाँ पे टेंट वगैरह लगाते हैं और कई तरह की जो है आपको फैसिलिटी भी अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे फागुन महीने के अंदर आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाती है, और आपकी जो यात्रा है बाबा श्याम की कृपा से बहुत ही मंगलमय हो जाती है। तो इंश्योर ये करें कि जब भी आप यहाँ पर आए तो पैदल जाने की ही कोशिश करें। दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये चाहते होंगे कि जब आप बाबा के दर्शन करें उससे जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग नहा धो कर जाएं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर रास्ते में बहुत सी जगह ऐसी व्यवस्थाएँ की गई है जहाँ पर आप 100 रुपये या 50 रुपये दे के नहा सकते हैं और उसके बाद में दर्शन करने जा सकते हैं। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि होटल वगैरह भी लेना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस या फिर धर्मशाला के ऑप्शन अवेलेबल है। अभी मेरे जस्ट पास में ही यहाँ पे एक धर्मशाला है जिसका नाम है यादव धर्मशाला, और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। यहाँ का क्या टैरिफ है, कैसा रूम है, ये मैं आपको वीडियो में अभी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों एक बार मैं आपको मेरे रूम का टूर करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं सामने जो गेट है, जिस गेट से इस रूम के अंदर आते हैं, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये एक डबल बेड है, और डबल बेड के पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्पेस दिया हुआ है सामान वगैरह रखने के लिए, और थोड़ा सा जो स्पेस है एक यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये जो हमारा जो बेड है इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एलईडी है, वैसे मैंने चेक किया नहीं है कि चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर कुर्सी दी हुई है, और इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पार्टीशन बनाया हुआ है, आपका जो भी सामान वगैरह है आप उसको इसके अंदर जो है रख सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरा जो बैग है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे ये पार्टीशन एक बना हुआ है, और इसके अलावा जब आप इधर आएंगे, ठीक है, बेड से सामने की तरफ इस तरफ, तो यहाँ पे एक ये है जहाँ पे आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, ये डस्टबिन है। और इधर जो है ये हमारा वॉशरूम एरिया है, देख सकते हैं, ये नॉर्मली है जैसा कि हर जगह होता है। और इधर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सामने हमारे पास में यहाँ पे मिरर है, ठीक है, तो ये मिरर आप देख सकते हैं। और इधर ऊपर की तरफ जो है दोस्तों यहाँ पे ये एसी लगा हुआ है, मैंने अभी चेक नहीं किया है एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वैसे मुझे रिक्वायरमेंट अभी है भी नहीं एसी की,
और एक बार मैं ये जो गेट है ये आपको मैं यहाँ पे खोल देता हूँ खिड़की और बाहर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस रूम की टैरिफ की। तो दोस्तों ये रूम मैंने लिया है 700 रुपये में और यहाँ पे हम दो लोग हैं तो मैंने दो लोगों के लिए इस रूम का 700 रुपये पे किया है। रूम एवरेज है लेकिन अच्छी बात यह है कि रूम का जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ पे आके ये रूम ले सकते हैं। और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है, खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की होनी चाहिए। दोस्तों अभी मैं धर्मशाला से बाहर आ गया हूँ और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे श्याम बाबा के मंदिर का जो मुख्य द्वार है, जो एक एंट्री गेट टाइप में जो बना हुआ है बड़ा सारा, वो गेट आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, लेकिन हम लोग मंदिर में पहुँचे हैं उससे पहले यहाँ पर एक कुंड है, तो मैं ट्राई करूँगा कि एक बार मैं आपको जो कुंड है वो कुंड आपको मैं दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ का जो कुंड है वो यहाँ के शनि मंदिर के जस्ट पास में है, तो अगर आपको कुंड ढूंढने में तकलीफ़ हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो आप किसी से ही पूछिएगा कि यहाँ पे जो है शनि मंदिर किस जगह पर है। और शनि मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो श्याम बाबा कुंड है वो स्थित है। खाटू श्याम जी में दो कुंड हैं। पहला जो कुंड है वो शनि मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों यह कुंड आकार में थोड़ा छोटा है और यहाँ पर बहुत सारे भगवानों के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हाथ पैर भी धोते हैं। दोस्तों जब आप इस कुंड के अंदर जाके आ जाएंगे तो यहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर आपको एक और कुंड दिखाई देगा। ये वाला कुंड आकार में पहले वाले कुंड से काफ़ी बड़ा है और ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर अपने हाथ पैर धोते हैं। इस कुंड से खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इस कुंड से बाहर निकलें तो आप प्रसाद जरूर ले लें। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ प्रसाद लेने के लिए। श्याम बाबा को जो है तीन तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहला जो प्रसाद है वह है चूरमा, दूसरा जो प्रसाद है वह है ड्राई फ्रूट और तीसरा जो प्रसाद है वो है यहाँ पर पेड़े। फिलहाल आज जो प्रसाद मैं चढ़ाने वाला हूँ वो है ड्राई फ्रूट, लेकिन आप अपनी इच्छा के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो प्रसाद आप श्याम बाबा को चढ़ा सकते हैं। कुंड से निकल के और प्रसाद लेने के बाद में आपको सामने की तरफ कुछ इस तरह की लाइनें दिखाई देगी, तो आपको इन्हीं लाइनों के अंदर लग जाना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर दर्शन का टाइमिंग क्या रहता है। तो जब मैं धर्मशाला के अंदर रुका हुआ था तो वहाँ पर मैंने दर्शन की टाइमिंग का एक चार्ट देखा था जो कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। भविष्य में ये भी संभव है कि इस टाइमिंग के अंदर कुछ फेरबदल हो जाए। अब दोस्तों जैसे ही आप लाइनों में लगेंगे तो वहाँ पर आपके जो निशान है आपसे ले लिए जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ पर अगर आप छुट्टी के दिन या फिर फागुन महीने के अंदर या फिर किसी त्यौहार के दिन आएंगे तो आपको दर्शन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आप नॉर्मल डेज के अंदर आएंगे तो आपको दर्शन करने में टाइम यहाँ पे कम लगेगा। आप सभी श्याम भक्तों के मन में एक प्रश्न और आ सकता है कि जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे उस समय पर आप अपने जूते और चप्पल कहाँ पर रखेंगे। तो मैं तो आपको यही सुझाव देना चाहूँगा कि जिस दुकान से आप प्रसाद लेंगे आप अपने जूते चप्पल वहीं पर रख दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जगह जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी बाबा श्याम जी के दर्शन कराए जाते हैं, तो आप मंदिर के अंदर जाने से पहले भी बाबा श्याम के दर्शन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कर लेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने रिसर्च करने पर पाई है कि यहाँ पर जाने के बाद में भी बहुत सारे श्याम भक्त जो हैं श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि बाबा श्याम के दर्शन हमें किस जगह पे करने हैं। तो दोस्तों जब आप लाइन में चल रहे होंगे तो ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है अपना पूरा फोकस आप यहीं पर रखिएगा और यहाँ पर आप रुक के 2-4 सेकंड के लिए आराम से बाबा श्याम के दर्शन जो है कर सकते हैं।
फिर यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें दिखाई देगी, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद में अभी मैं आ गया हूँ कुछ खाने पीने के लिए, तो यहाँ पर खाने पीने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे यहाँ पे ढाबे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं जहाँ पे आया हूँ वो है श्री राधे भोजनालय, और यहाँ पे इनके पास में दो तरह की थाली है, एक है 100 रुपये की थाली और एक है 150 रुपये की थाली। तो हमने अभी जो है 100 रुपये की थाली का ऑर्डर दिया है, और एक बार खाना आ जाए फिर मैं आपको खाना भी बता देता हूँ। तो हमने जिस थाली का ऑर्डर दिया था वो आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू की सब्जी है, दाल है, गट्टा है, अचार है और ये रोटी है, और रोटी की फिलिंग जो है यहाँ पे अनलिमिटेड है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। तो हमने खाना खा लिया दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मेन्यू के अंदर इन सब चीज़ों के अलावा चावल भी था, और एक और चीज़ है कि यहाँ का जो खाना था उसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं था और बिल्कुल ही सात्विक भोजन था। अब दोस्तों हमारी जो खाटू श्याम जी की जो यात्रा है ये समाप्त हो चुकी है, और अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खाटू श्याम जी आते हैं तो यहाँ पर आने का आपका अनुमानित खर्चा कितना होगा। दोस्तों जब आप जयपुर से या फिर सीकर से रिंगस के लिए बस पकड़ेंगे तो बस वाला जो है आपसे लगभग 100 रुपये के आसपास चार्ज करेगा। जब आप रिंगस से खाटू श्याम जी तक के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे ऑटो वाला या फिर ई व्हीकल वाला या फिर जो भी व्हीकल आप लेंगे वो आपसे लगभग 50 रुपये चार्ज करेगा, यानी कि 150 रुपये यहाँ पे आने के और 150 रुपये दोबारा से यहाँ से जाने के, ठीक है, 300 रुपये खर्चा आपका ये हो गया। इसके अलावा दूसरा जो आपका यहाँ पर खर्चा होगा वो होगा खाने का। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और अगर आप दो टाइम खाना खाते हैं तो दोस्तों आप दो टाइम का खाना यहाँ पे 400 रुपये में आसानी से खा सकते हैं, यानी कि एक टाइम का खाना आपका पड़ेगा 200 रुपये का, और इससे कम भी पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने 100 रुपये की थाली का ऑर्डर किया था, तो मैं लेके चलता हूँ, लेकिन फिर भी कि अगर आप एक टाइम खाना खाते हैं तो आपका 200 रुपये खर्चा होगा, और यहाँ पर आने के बाद अगर आप दो टाइम खाना खाते हैं तो आपका लगभग 400 रुपये का जो खर्चा है वो हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा जो आपका यहाँ पर खर्चा आएगा वो आएगा अगर आप गेस्ट हाउस लेते हैं, धर्मशाला लेते हैं या फिर होटल लेते हैं तो उसका खर्चा। तो आप एक काम करिएगा, कम से कम दो लोग साथ में आइएगा, अगर आप दो लोग साथ में आएंगे तो आपका ये जो खर्चा है ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1000 रुपये के अंदर आराम से धर्मशाला, होटल या गेस्ट हाउस वगैरह ईजिली मिल जाएगा, यानी कि एक आदमी का जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 500 रुपये का। अब दोस्तों अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो 500 रुपये आपका खर्चा हो गया लगभग होटल का, 400 रुपये आपका खर्चा हो गया खाने का, और 300 रुपये आपका खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। तो टोटल जो आपका खर्चा हो गया दोस्तों वो हो गया है 1200 रुपये का। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह लेंगे, जो निशान वगैरह लेंगे, तो उसका खर्चा मैं 300 रुपये और मान लेता हूँ, यानी कि टोटल आपका खर्चा हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, आप इस खर्चे को कम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप आने के बाद में यहाँ पे होटल लें या गेस्ट हाउस लें या धर्मशाला लें, आप डायरेक्टली आके दर्शन करके भी यहाँ से सेम डे में जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपने 500 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप 500 रुपये बचा लेते हैं तो आपका जो खर्चा बैठेगा वो लगभग 1000 रुपये के आसपास का ही बैठेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट के अंदर आप लोग जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल सफूका को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, जय श्री श्याम।